इजराइल में आम चुनाव अप्रैल में, नेतन्याहू पर टिकी दुनिया की निगाहें। इजराइल में आगामी 9 और अप्रैल को होने वाले आम चुनाव में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू क्या पांचवीं बार भी इस पद पर बरकरार रहेंगे, इस पर दुनिया भर की निगाहें लगी हैं। नेतन्याहू के कार्यकाल में आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। सामरिक और कूटनीतिक क्षेत्र में अमेरिका के साथ संबंध सुदृढ़ हुए हैं, तो रूस के साथ साथ चीन, भारत तथा सऊदी अरब से भी करीबी रिश्ते बने हैं। अमेरिका में नेतन्याहू के चाहने वालों की एक लंबी फेहरिस्त है। अमेरिकी मतदाताओं की एक बड़ी संख्या ट्रंप की राजनीतिक पृष्ठभूमि के लिए अनिवार्य भी हैं। उपराष्ट्रपति माइक पेंस और विदेश मंत्री माइक पोम्पियो भी इजराइल के प्रबल समर्थकों में हैं। सत्ताधारी रिपब्लिकन पार्टी के शीर्ष नेताओं में एक जमात नेतन्याहू के पक्ष में है। रिपब्लिकन नेताओं की यह कोशिश रही है कि मध्य एशिया में शांति के लिए इजराइल में एक ऐसी मजबूत सरकार गठित हो जिसके व्हाइट हाउस से सीधे तार जुड़े हों। गुरुवार को व्हाइट हाउस में इमेजिकल नेताओं की बैठक हुई। इसमें मध्य एशिया के विशेष दूत जेसन ग्रीनब्लैट और इमेजिकल फाउंडेशन में कर्ता धर्ता जोल रोजनवर भी मौजूद थे। बैठक के बारे में अधिकृत तौर पर मीडिया में कोई जानकारी नहीं दी गई है। ट्रंप प्रशासन की ओर से मध्य एशिया में शांति बहाली में इजराइल के जरिए अमेरिकी हितों की रक्षा एक बड़ा मुद्दा है। इस दिशा में व्हाइट हाउस की ओर से प्रेषित इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शांति बहाली के प्रस्ताव को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कहा जा रहा है कि फिलिस्तीन के राष्ट्रपति यरूशलम को लेकर कोई समझौता करने को तैयार नहीं होंगे। नेतन्याहू के खिलाफ इस बार चुनाव में उन्हीं के पूर्व सेना अध्यक्ष बेनी गंट्स ने पूर्व वित्त मंत्री यैर लपीड के साथ मिलकर एक मध्यवर्ती मार्ग चुना है। वह इजरायली जनता से अपील में कह रहे हैं कि कोई इजरायली नेता किंग नहीं है। गंट्स एक आक्रामक नेता जरूर हैं, लेकिन उनके पास वे करिश्मा नहीं है जो नेतन्याहू के पास है। इजराइल के अटॉर्नी जनरल ने नेतन्याहू के खिलाफ धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और विश्वासघात के आरोप लगाए हैं, लेकिन इन मामलों के चुनाव मतदान से पूर्व अदालत में चुनौती दिए जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। प्रतिद्वंद्वी मध्यवर्ती नेताओं बेनी गंट्स और यैर लपीड के दबाव का इतना असर जरूर पड़ा है कि नेतन्याहू की लिक्विड पार्टी ने मिली जुली सरकार के लिए फार राइट राजनीतिक दलों का दामन भी थाम लिया है। नेतन्याहू इस बार चुनाव जीत जाते हैं तो वे इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन के सबसे लंबे कार्यकाल को भी पीछे छोड़ देंगे। देखना यह है कि मतदाताओं में पिछले कुछ अरसे से अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, ब्राजील और मेक्सिको के साथ साथ भारत में सत्ता विरोधी जो हवा चली है, क्या उसे नेतन्याहू रोक पाएंगे। राजनीति में नए बेनी गंट्स और लपीड की जोड़ी ने नेतन्याहू की तरह फिलिस्तीन को सार्वभौमिक राष्ट्र घोषित किए जाने के सवालों को नजरअंदाज किया है। हमास, ईरान और लेबनान के हिजबुल्लाह के आक्रामक रवैये पर कड़ा इतराज व्यक्त किया है। गाजा पट्टी में आतंकी हरकतों के विरुद्ध आवाजें उठी हैं। अविभाजित यरूशलम के संरक्षण का वादा किया है और गोलन हाइट की सुरक्षा और वेस्ट बैंक के इसराइल के अधीन बनाए रखने का संकल्प दोहराया है। इस चुनाव में ये सब ऐसे मुद्दे हैं जो इजरायली मतदाताओं को सुहाते हैं।